गया तो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ और पैसा गया। वैसा ही ट्रांसफर फ्रॉम करंट टू एफडी, मतलब एफडी खरीदा तुमने, इन शॉर्ट एफडी खरीदा, जैसे शेयर्स खरीदा वैसे एफडी खरीदा, तो पैसा आया कि गया? गया। पासबुक गोस कैशबुक नहीं, क्योंकि कैशबुक में अभी तक एंटर नहीं किया, समझा? सपोज ऐसे दिया होता ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी टू करंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी टू करंट पैसा आया, तो पासबुक गोस अप, कैशबुक रिमेन्स फ्लैट, समझ रहे हो? व्हाट इफ इट इज सेविंग्स टू करंट, आया पैसा आया, अपने को करंट देखना है, करंट में पैसा आया, तो पासबुक गोस अप। व्हाट इफ इट इज करंट टू सेविंग्स, आया, पासबुक गोस डाउन। व्हाट इफ इट इज एफडी टू सेविंग्स, कुछ नहीं, कुछ नथिंग, करंट है ही नहीं। एफडी टू सेविंग्स पर्सनल नहीं है, बिजनेस में हो रहा है, बिजनेस का एफडी है ना, बट विल इट अफेक्ट बीआरएस? नो वे, बिकॉज करंट अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व, वी आर लुकिंग एट ओनली व्हाट, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, दैट्स इट, इज इट क्लियर? सो इट इज एफडी टू सेविंग्स, दोनों फ्लैग, इफ इट इज सेविंग्स टू एफडी, दोनों फ्लैग, नो एंट्री, इज इट क्लियर? ऐसा भी आएगा आगे, विल डू दैट एग्जाम, खुद से करो, चलो 18th वन एरोस बनो, सर चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर, क्लियर है, मतलब नॉट क्लियर, डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, डिपॉजिट किया मतलब पासबुक में एंट्री है, और नॉट रियलाइज मतलब अभी तक पासबुक में क्लियर नहीं हुआ, नॉट रियलाइज इज नॉट क्लियर, हेलो डोंट डिस्कस, डोंट टॉक, डिपॉजिटेड मतलब चेक आया, वही डिपॉजिट होगा, कैश बुक गोज अप, अरे वापस ओवरड्राफ्ट, नॉट रियलाइज इज नॉट क्लियर, सेम थिंग, नॉट रियलाइज इज नॉट क्लियर, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं आया, करण मानव कमर, डोंट टॉक, डोंट डिस्कस, खुद से करो, ऐसा ही सम आएगा एग्जाम में, 6 से 7 एंट्रीज का, यही समझ के चलो, एक्सेप्ट फॉर एनएम, ऑल कॉलेजेस विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कम ऑन, एनएम इज मच मच डिफिकल्ट, टर्म तो इजी, मेरी लग गई थी, आजू बाजू वाले मेरे को देख रहे थे, इतना खराब हमारी पार्टी 12 अकाउंट बना गया था, तो भी मेरा तो आधे घंटे पहले खत्म हो गया था, वो सोचो ना स्पीड स्पीड दो ही अकाउंट, बट ठीक है, पेपर वॉज इजी मैनेजेबल, तो प्रैक्टिस करना लगा, चलो बड़ा बट चलो मतलब नॉर्मल देंगे, पढ़ना भाई किसका इसका मालूम है, उससे दूसरा ढूंढना है, पासबुक मालूम है तो पीवी टू सीबी, कैशबुक मालूम है उसी गाइस, ट्राई नॉट टू डिस्कस, वो सब खाली देने का तरीका है, डिपॉजिटेड एंड नॉट कलेक्टेड, डिपॉजिटेड एंड नॉट रियलाइज्ड, डिपॉजिटेड एंड नॉट क्लियर्ड, इश्यूड एंड नॉट क्लियर्ड, इश्यूड एंड नॉट प्रेजेंटेड, उनको चेक करना है, डिपॉजिट है कि इश्यू, डिपॉजिट मतलब आया, इश्यूड मतलब है, अच्छा
नॉर्मल हो गया, नेगेटिव हो गया, आता हूँ, अरे प्लस माइनस करो डेबिट ऑफ वो भी होता तो क्रेडिट ऑफ टाइम नेगेटिव सेवन नाइन फोर जीरो ओ भाई 7940 डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर 7940 ऊपर नहीं होगा तो एंट्री नहीं आता बैंक से तो पैसा का मीनिंग क्या है हमने बैंक से पैसा ले लिया बैंक वेंट टू रेवर रेवर डिड नॉट पे दैट्स व्हाई इट गॉट डिसऑनर्ड 1500 तो इसलिए काटा मैंने सेवन पैसा ले लेता ऑलरेडी आ गया ऐसा आएगा मीनिंग पैसा गया सर सात पे कर रहा हूँ 7940 उल्टा किया 15,000 Check the answer. Sir, you have to solve. बराबर है 7940 कुछ पीछे से छाप रहा है छाप मैं क्यों मुंडी को ओम यार इन्हें टच नहीं कर मैं कल मरेगा फिलहाल प्लस माइनस राइट है सबका फाइनल आंसर पे आते हैं प्लस माइनस चेक करो इसमें कोई डाउट इजी था डिपॉजिटेड एंड नॉट कलेक्टेड मतलब कौन से बुक में एंट्री आया डिपॉजिटेड एंड नॉट कलेक्टेड कैश बुक गोज इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कैश बुक गोज कलेक्ट डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक में एंट्री आया कैश बुक वेंट डाउन इश्यूड मतलब कैश बुक में एंट्री आया कैश बुक वेंट डाउन इज इट क्लियर नॉट कलेक्टेड नॉट क्लियर नॉट क्रेडिटेड नॉट प्रेजेंटेड ये सब बैंक का काम है नहीं हुआ मतलब बैंक में एंट्री नहीं आया समझ
समझा बराबर से? एनी डाउट? अच्छा अभी फाइनल आंसर ध्यान से देखना, इस समय थोड़ा अलग है। फाइनल आंसर देखो कितना आ रहा है, 6000 माइनस 3500 दैट इज 2500 माइनस 15 2500 माइनस 15 माइनस 12500 यस माइनस 1200 प्लस 2500 माइनस 10000 माइनस 10000 प्लस 560 माइनस 9440 माइनस 9440 माइनस 4 माइनस 13440 माइनस माइनस प्लस हो जाए माइनस 9440 माइनस 4 इज माइनस 13440 माइनस 13440 प्लस 4500 माइनस 13440 प्लस 4500 89440 यस माइनस माइनस में आ रहा है यस और नो इट्स अ नेगेटिव आंसर ऑफ 8940 माइनस नाउ अब तक हर एक सम में पॉजिटिव आंसर आ रहा था यस और नो ये सम में पॉजिटिव नहीं है क्या है तो थिंक लॉजिकली व्हाट हैपेंड यहां से वी स्टार्टेड विद ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट कहीं तो बीच में जीरो हो गया फिर बढ़ गया बैलेंस यहाँ पे बोले नेगेटिव आंसर आ रहा है बट ओडी का ओडी रहेगा कि नॉर्मल हो गया नॉर्मल अंडरस्टूड जीरो जीरो हो गया बैलेंस ऑपोजिट साइड पे चला गया सो अगर लॉजिक क्या है सुनो ओवरड्राफ्ट से शुरू कर रहे हो ओवरड्राफ्ट से शुरू कर रहे हो एंड पॉजिटिव आंसर है तो ओडी अब तक किया था जैसे ओडी से शुरू कर रहे थे पॉजिटिव है तो ओडी नॉर्मल से शुरू किया पॉजिटिव है तो नॉर्मल बराबर है यस और नो बट यहाँ पे ओडी से शुरू किया नेगेटिव आंसर ओडी जीरो ओके बैलेंस रहता तो अदर साइड नाउ इट इज व्हाट नॉर्मल और ओडी नॉर्मल अच्छा नॉर्मल एज पर कैश नॉर्मल एज पर कैश बुक इज व्हाट डेबिट डेबिट बैलेंस एज पर कैश डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज व्हाट 8940 इज दिस क्लियर सर एक मिनट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 8940 सो व्हाट हैव यू लर्नड ओवर हियर इफ यू स्टार्ट विद अ नॉर्मल बैलेंस यू गेट अ पॉजिटिव आंसर इट इज नॉर्मल से चालू किया नॉर्मल पॉजिटिव आंसर है तो बैलेंस इज नॉर्मल ओवरड्राफ्ट से शुरू किया पॉजिटिव आंसर है तो ओडी सिंपल यहां तक समझा अभी नॉर्मल से शुरू किया नेगेटिव मिल रहा है तो ओडी से शुरू किया नेगेटिव मिल रहा है तो नॉर्मल सिंपल सेम साइन है तो नॉर्मल बैलेंस जो है वही अगर साइन चेंज हो गया तो बैलेंस भी ओके सर प्लस 4500 माइनस 4000 अरे भाई तू मैच कर रहा है बस सर रॉन्ग है 794 सब लोग को मिला तेरे को नहीं मेरे साथ है ना हम लोग ने भी चेंज कर लिया चेंज नहीं करना है कैलकुलेट करो नहीं आ रहा है क्या सर मुझे कैसे आया 4500 माइनस 500 वेट ऐसे मत जाओ फिर प्लस 2500 प्लस 3000 माइनस 3500 तो 500 माइनस 500 500 प्लस 560 1060 प्लस 60 होता नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम 6 7 8 बाकी है राइट 6 7 8 हेलो सम नंबर 6 स्टार्ट ऑन योर ओन लीव अ साइड फॉर स्टेटमेंट सम नंबर 6 परफेक्टली 6 सम बिना किसी का हेल्प के खुद से करो चलो हेल्प मत लो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन नहीं आ रहा है छोड़ दो मेरे से पूछो बाद में अंडरस्टैंड एंड डू इट बट खुद से करो टू टेक हेल्प Doesn't make sense. It's just time pass. Karan, come on. Without any help, एक कुछ भी मदद किए बिना पूरा करना चाहिए कुछ जाना चाहिए. Start to end. Yeah, through with this sum, you're almost through with BRS का problem. 80-90% हो गया. सर इस पास वॉशरूम नहीं है कम ऑन फास्ट डोंट वेस्ट टाइम प्लीज
मतलब जिस बुक में एक बुक में हुआ है डोंट डिस्कस Yo lo voy a dar ya.
मेरे में एक ही था ना, तो वो आ गया, दो रहेगा सर। हम लोग तो धीरज सर से बैठा, हम लोग का तो सोचो बीच में ब्रेक था ना, सर नहीं था, आज बैठो संडे वन वर इट इज ऑल रेगुलर टाइम ओके संडे इट इज 10:30 टू 12:30 देन ट्यूजडे थर्सडे वन वर 8 to 10 हो गया सम हो गया हमें नहीं स्टिल डूइंग ड्राइवर हो गया बाकी देखने तो गए चलो नाविका का बोर्ड है बोर्ड में देखो चेक द आंसर्स आंसर्स बराबर से चेक करो बराबर से देखना प्लस माइनस एरोस एरोस भी करेक्ट होना चाहिए एनी डाउट्स नो एनी वन नो मानो नो चेक कर आंसर चेक करो चेक किया बराबर से आयुष एनी इश्यू ओवर योर बोलो नाउ टेल मी द फाइनल आंसर क्विक 1 0 9 7 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव पॉजिटिव 1 0 9 7 0 क्विक 1 0 9 7 0 दैट इज पॉजिटिव वी स्टार्टेड विथ व्हाट ओवरड्राफ्ट से पॉजिटिव है मतलब इट इज ओवरड्राफ्ट की है ओवरड्राफ्ट ऐसे पासबुक था तो अभी ओडी एस पर कैश व्हाट इज ओडी एस पर कैश क्रेडिट राइट सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में यू कैन राइट ओडी समझाइए व्हाट इफ दिस वाज नेगेटिव डेबिट बैलेंस सो इधर ओडी का क्या हो जाता नॉर्मल नॉर्मल सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश कंफर्टेबल यस पक्का मानो मिला आंसर चेक किया ना चेक किया बराबर से दीक्षा खुशी होगी मिस्टेक कैलकुलेशन एरो से राइट पक्का सम नेक्स्ट वन सम नंबर 7 सम नंबर 7 भी पूरा खुद से करो कमोन सर सम नंबर 7 करो और 8 करो दोनों में एक एक साइड छोड़ो स्टेटमेंट का आफ्टर दिस टू दो सम करो उसके बाद जाने देगा जब
भी नहीं आ रहा सर। एक ऐसा तो फटाफट कर रहे हैं सम नंबर। सुनो ध्यान से, वॉशरूम का मेन कारण ये है। सम नंबर सेवन लीवर साइड फर्स्ट स्टेटमेंट ओके। स्टार्ट विद सेवन लीवर साइड डू इट बोर्ड द सम्स एंड चेक साथ में। आई एम नॉट डूइंग इट ऑन बोर्ड। पूरा खुद से करना विदाउट एनी हेल्प। सेवेंथ एंड एट सेवेंथ एंड एट कमल फिर सब साथ में और छूट जाए जाओ बाद में बट ये आऊंगा। फिलहाल कंप्लीट दीज रूट्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। इसमें मिस्टेक आया तो वॉशरूम जाने नहीं मिले। तो सूट है ड्यूरिंग मंथ ड्यूरिंग द मिस्टेक क्या कर चेक इश्यूड बट नॉट नॉट इन कैश। व्हाट इज चेक इश्यूड बट नॉट इन कैश। कौन से बुक में एंट्री आया कैश बुक इश्यू किया द कैश बुक में नॉट इन कैश मींस पासबुक में नहीं आया। नॉट इन कैश नॉट क्लियर नॉट प्रेजेंटेड आर ऑल वन एंड द सेम गाइस। Hello. Look at the board, all of you. One second. Look at the board. Look at the board. Look at the boards. Not encashed, not presented, not cleared are all one and the same. Just see whether it is deposited, whether it is issued. Deposited मतलब पैसा आया, issued मतलब पैसा गया. Clear हो गया तो पासबुक में भी हो गया record. Clear नहीं हुआ तो पासबुक में नहीं हुआ. Come on. Seventh or eighth, दोनों का arrows. Leave a side for statement. सम में वैसे भी छोड़ा है। Yes, every sum you have to leave a side for statement. Statement ये आगे का रहा है। Yes, अब हम इसके starting with statement. ये college है। What happened? ऐसे करो इसको 500 से लेकिन 1000 से नहीं 500 का डबल 1000 और ये तो 500 रहेगा ना डिफरेंस 500 दिमाग लगाओ एक आध अलग एंट्री है यूज योर ब्रेन एनीथिंग कैन कम। दो बार सी एक एंट्री है उधर इंटरेस्ट ऑफ 500 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक दिख रहा है। पहले तो सोचो इज इट एन इनकम और एक्सपेंस। पैसा आया कि गया बराबर। कौन से बुक में दो बार किया पासबुक में कितनी बार किया रहेगा एक बार तो किया ही रहेगा। अच्छा सो दोनों नीचे जाएंगे पासबुक गोज डाउन बाय 500 बट कैशबुक गोज डाउन बाय। अपने को मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं करना है सुधारना नहीं है जो है वैसे का वैसा बिकॉज उसी की वजह से डिफरेंस हो गया बैलेंस समझा वो 500,000 All of you, hello. PB went down by 500, but CB went down by 1000. Double record कर दी. Triple record करता तो 1500. CB goes down by 1500. Got it? Hmm. Triple record किया तो CB goes down by 1500. Double record किया तो it goes down by 1000. बट सर एक बार तो पासबुक में आ ही गया होगा माइनस 500 दो तरीका है इधर 500 एक बार तो हुआ है ना दोनों में कैशबुक में डबल हो गया तो पीबी वेंट डाउन बाय 500 सीबी वेंट डाउन बाय 1000 ऐसा करो वो भी 500 का ही डिफरेंस मिलेगा या फिर 500 कैशबुक को 500 पासबुक में कैशबुक सर चेक इशूड बाय मिस्टर Really? Return is 100,000. So, passbook will go down by 1,000, no?
चेक इश्यूड बट नॉट डिसऑनर हो गया, कैशबुक में चेक इश्यू किया है, मतलब नीचे गया कैशबुक नीचे गया, बाद में डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब पासबुक में एंट्री आया कि नहीं आया, नहीं आया। डिसऑनर का मतलब ही वही है ना, क्लियर हुआ ही नीचे, सिर्फ कैशबुक नीचे था। डिसऑनर होने का मतलब वही है कि क्लियर नहीं हुआ, इश्यूड बट डिसऑनर, दैट इज इश्यूड बट नॉट क्लियर, सेम बैंक अटका दिया पेमेंट, पासबुक में एंट्री नहीं आया, कैशबुक में आ गया ना, कैशबुक में आ गया, चेक इज इश्यूड। Use your brains, come on. $1,500 टोटल बाद में करूँ, पहले मिश्रा सम कर होटल्स बाद में कर लो, पहले गो टू द अदर सम्स ऑफ द अदर सम्स, रिवर्स साइड करेक्ट है, 1700 सेकेंड सम करो, बाद में करो, डेबिट रुपया 7 करो फिर 8 करो, दोनों साथ में करो, सर 8 ओडी नहीं है ना, नॉर्मल है, ऑडो जो भी है ओडी है, ओडी ओडी डेबिट कर रहे, बैलेंस ये ऑर्डर में मिले